Hello everyone, this is me Deboshree and welcome back to my channel The Bongogenic. So today I have a very special guest who is a naughty fellow. Now what is her name? What is your name? बोलो ना, I am Piku. जोरे बोलो. I am Piku. With a hello. Hello. So Piku, what you will be doing today? आज Piku क्या करेगी मम्मा के साथ? So I have a fun video today. But before starting with the video, let me tell you something about today's video. So a few days back, Piku's kindergarten conducted a fashion show which was all about Disney character makeover, and the girls were told to do a makeover on any princess the parents like. So I chose Cinderella for Piku and it came out pretty well. She was looking very nice in her attire and all the hairstyle and all. It also came out to be very nice because she has pretty long hairs now. So bun wo sab banana bahut easy tha uske liye, aur with full patience she sat aur pura makeup jo makeover tha Piku ka, it turned out to be very good. So I thought why not go for YouTube channel also. So maine iski kuch photos इंस्टा और फेसबुक पे डाले थे जो कि सबको बहुत पसंद आए. सो आई वॉज एनकरेज टू मेक दिस वीडियो विद Piku. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट विद मेकअप, हेयर एंड ड्रेस फॉर सिंड्रेला मेकओवर ऑफ Piku. सो Piku से हेलो एंड गिव ऑल पुच्ची. पुच्ची कैसे देती है Piku? और आज Piku कौन सा मेकअप करेगी? कौन सा मेकअप करेगी Piku? इससे मेकअप करेगी. और क्या बनेगी Piku? हाँ, सिंड्रेला. बोलो आई एम सिंड्रेला. हाँ एटा पिंक. बोलो आई एम सिंड्रेला. उधर देख के बोलो आई एम सिंड्रेला. सिंड्रेला एंड आई लॉस्ट माय शूज. सबसे पहले हम Piku के बालों के साथ शुरू करेंगे एंड फॉर दैट सिंड्रेला का पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी. उसमें आप देखना दैट शी इज टाइंग अ हाई नॉट बन विथ साइड पार्टीशंस इन फ्रंट, जिसमें कि कर्ल्स आप कर सकते हो या तो आप बैंड से उसको डेकोरेट कर सकते हो. तो आई विल ट्राई डूइंग इट विद अ बैंड. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Piku के बालों को अच्छे से कोम करूँगी जिससे कोई भी नॉट्स बीच में ना रहें. And after that, front partition करना है because that is a part of this hairstyle. So you have to make a clear side partition and you have to divide again. और divide कैसे करना है? आपको back के जो divide करने के बाद जो पीछे के जो बाल आएंगे उनको top knot बन बनाना है, right? तो एक बहुत ही clear partition आपको आगे से देना पड़ेगा after doing side partition, ठीक है? और बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, इरिटेशन ना हो, वो बाल बार बार उसके फेस पे जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप उसको एक रबर बैंड से सिक्योर कर लो, राइट? उसकी स्टाइलिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी. यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा दिया है एंड नाउ एज यू कैन सी अ क्लियर लाइन गोइंग थ्रू द मिडवे ऑफ अ हेड. तो उसी लाइन को फॉलो करते हुए हमें दूसरे साइड भी यानी कि राइट साइड भी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी यहाँ पे, जिससे कि मुझे एक प्रॉपर पार्टीशन मिल जाए, राइट? और उसको भी अगेन आई विल टाई इट. टाई करो या आप उसको फोल्ड करके एक ही साइड पे पिन कर दो, इट्स बेस्ट. अब आपको क्या करना है, बाकी के जो रिमेनिंग हेयर्स हैं उसको बहुत अच्छे से कोम करके आपको एक टॉप नॉट बनाना है, ऐसे हाई नॉट. तो हाई नॉट बनाने से पहले आपको एक पोनीटेल बनाना होगा और देख लीजिएगा कि वो लाइन एकदम सेम हो दोनों तरफ. यहाँ पे आप एक कोई भी रबर बैंड से आप उसका एक पोनीटेल बना देंगे, राइट? अब पोनीटेल बनाने के बाद क्या करना है, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस कि आपको एक बन बनाना है और बच्चे के बाल उतने बड़े नहीं हैं तो आपको पफ का यूज़ करना है बीच में. लेकिन यहाँ पे पफ नहीं है क्योंकि अगर आप पफ लगाओगे हेयर पफ तो उसमें क्या होगा कि आपको पिंस लगाने पड़ेंगे विच इज़ नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड. तो यहाँ पे उसका एक ट्रिक ये है कि यू हैव टू टेक अ ब्रॉड रबर बैंड लाइक दिस, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्रॉड रबर बैंड. पोनी बांधने के ऊपर ही आप इस रबर बैंड को फिर से बांध दो तो इट विल गिव दैट
लुक की, इसके ऊपर जब मैं बालों को डिवाइड करके प्रॉपर इसको कवर कर दूंगी तो वो वॉल्यूम आ जाएगा और प्रॉपर हाई बन बन जाएगा, राइट। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले पोनी को अच्छे से कोम कर लो, एंड देन कोम करने के बाद बन को थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए कोम्ब इट डाउन लाइक दिस, विच यू मस्ट बी नोइंग, इट्स अ वेरी कॉमन ट्रिक। अब ऐसे करने के बाद थोड़ा सा मेसी लुक भी आ जाएगा बालों में, और अब आप उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने रबर बैंड लगाया था उसको छुपाते हुए आपको बैक में ये बाल ले जाने हैं, राइट। बहुत आराम से ऐसे करके ले जाओ आप, और ले जाके प्रॉपरली पिन से आपको सिक्योर कर देना। यहाँ पे मैंने टिक टिक क्लिप लिया है बिकॉज इट इज सेफ फॉर द किड्स, और सर पे चोट लगने की भी कोई टेंशन नहीं होती इसमें, तो यहाँ पे आप ऐसे टिक टिक क्लिप लगा दो। और सेम प्रोसीजर दूसरे साइड का जो आपने बालों को डिवाइड किया था उसको भी आप ऐसे ही ले जाओ ऐसे करके, और उसको आगे ले जाके थोड़ा सा मैसी होना चाहिए बन, तो पहले आप क्लिप लगा दो, फिर उसके बाद जो ऊपर से जो बाल ऐसे निकल रहे हैं ना उसको आपको कवर करना है खुद, देखिए ऐसे ऐसे करके प्रॉपर ले जाके क्लिप से सिक्योर कर दीजिए लाइक दिस। ये आपका बन गया यहाँ पे बन ऐसे करके, तो आपका कहीं से भी आपका रबर बैंड जो आपने अंदर लगाया हुआ है उसको वॉल्यूम देने के लिए वो कहीं से भी नहीं दिखेगा, और एक प्रॉपर हाई बन बन जाएगा, राइट। अब नीचे जो यहाँ पे छोटे छोटे बाल हैं इनको भी आपको क्या करना है, ऊपर ले जाना है और क्लिप यहाँ पे लगा देना है जिससे कि आपका बन एकदम नीट लगे, ऐसे लीजिए ऊपर ले जाइए एंड जस्ट पुट अ क्लिप कि कोई भी एक्स्ट्रा हेयर कहीं से ना दिखे। अब आता है सामने के जो हमने पार्टीशन किया था उसका टाइम। सबसे पहले आप जो ज़्यादा बाल जिस साइड है आपके लेफ्ट साइड पे उसको पहले आप कोम कर लो ऐसे, राइट। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक मिनिमम अमाउंट ऑफ हेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज टू रोल इट बैकवर्ड्स, ऐसे लेना है बैक रोल कर देना है। इसका एक और स्टाइल है कि आप बीच में एक बैंड यहाँ पे लगा के आप बस एक फ्लिप वे में, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो यू कैन गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेयर स्प्रे, और फिर आप इसको बहुत ही लूज ऐसे करके जब वो स्प्रे लगाओगे तो वो लूज रहेगा, और बैंड के ऊपर से यू कैन गो फॉर दिस लुक ऑल्सो, तब आपका यहाँ से कैसे फॉल आएगा। बट पीकू इज़ वेरी स्मॉल टू कैरी दैट हेयर स्टाइल, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दिया था अपना, और मैंने क्या किया था, आई हैड टेकन अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ हेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हर हेयर, मतलब यहाँ पे जो पार्टीशन था उसके बाद, एंड देन आई हैव टेकन देम बैक जिससे कि वो नीट लगे और उसके फेस पे ना आए, एंड शी इज़ कम्फर्टेबल विद द हेयर, ऐसे करके को बहुत ही रफली लेना है, बहुत क्लीन नहीं, क्योंकि वो बन के साथ अच्छा लगेगा। पीको सर इधर करो, ऐसे करके आपको ये ट्विस्ट कर देना है, राइट, और ये घुमा के पीछे ले जाना है, और ले जाके आपको यहाँ पे क्लिप से अटैच कर देना है बैक में लाइक दिस। ऐसे करके कैन यू सी दिस, तो ये जो सामने जो एकदम साफ आ रहा है वो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ये जो आपने सामने का हेयर स्टाइल बनाया है उसको सिक्योर करने के बाद आपने इस बन में जो क्लिप लगाए हैं उसको छुपाने के लिए यू कैन गो फॉर सम हेयर एक्सेसरी, अगर आपके पास ऐसे बीड्स में अगर कुछ है जो कि आप बन में लगा सकते हो विच विल एनहैंस द ब्यूटी ऑफ द बन। तो यहाँ पे मैंने ये पीको का एक ब्रेसलेट है जिसको मैंने यहाँ पे एक दूसरे यूज़ के लिए यूज़ कर लिया है इसको, दैट इज़ फॉर मेकिंग द बन लुक मोर ब्यूटिफुल। अब आता है बैंड का टाइम, यहाँ पे यू कैन टेक अ ब्रॉड रिबन मैचिंग टू योर गाउन, ओके। सो आई हैव टेकन अ बेबी पिंक नेट ओवर हियर, और यहाँ से ये जो मैंने हेयर स्टाइल बनाई है और जो बीच में लाइन यहाँ पे पार्टीशन जो किया था
वहाँ पे मैं इसको ऐसे करके रखूँगी एंड देन आई विल टेक इट एट द बैक एंड देन आई विल टाई अ सिंपल नॉट ओवर हियर. उसको सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे एक पिन लगा दूँगी जिससे ये निकले ना. पीको सर नीचे करो, बस ऐसे लाइक दिस. ठीक है, यू कैन गो फॉर एनी रिबन ऑल्सो या फिर हेयर बैंड भी आप लगा सकते हो. ओके, अब मेकअप हम शुरू करेंगे. तो बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप गो फॉर एनी बेबी मॉइस्चराइजर जो आप यूज़ करते हो हमेशा, कि थोड़ा सा भी जो आप मेकअप यूज़ करोगे उससे उसकी स्किन को कोई भी डैमेज ना हो. राइट, तो यहाँ पे मैंने जॉनसन बेबी मॉइस्चराइजर जो पीकू यूज़ करती है वही मैंने उस पर अप्लाई कर दिया है. और कुछ भी नहीं करना है आपको, ओनली वॉट यू हैव टू डू, एक सेकेंड बेटा, यू हैव टू अप्लाई अ बिट ऑफ कॉम्पैक्ट जिससे थोड़ा पुट टुगेदर लगे. इधर देखो, हाँ पीकू पकड़ेगी, पीकू पकड़ेगी. ओके, तो आप थोड़ा सा डैब डैब करके स्किन पे यू कैन जस्ट अप्लाई. पीकू इधर देखो मामा की तरफ, यू कैन जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस. एक सेकेंड, दे रही हूँ वेट, आईज क्लोज करो. आईज पे थोड़ा सा, चीक पे, नोजी पे एंड देन इट्स डन. ओके, नाउ वट यू हैव टू डू, थोड़ा सा ग्लिटर बिकॉज थोड़ा सा ड्रेस के साथ दैट विल गो वेल एंड बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल सो आई विल नॉट गो फॉर टू मच ऑफ एनी थिंग. मैं थोड़ा सा गोल्डन लूंगी. पीको आईज क्लोज करो एंड आई जस्ट डैब इट ऑन हर आई लिड. थोड़ा फिंगर से सेट कर दूंगी मैं यहाँ पे, थोड़ा सा ग्लिटरी लगे. पीको क्लोज योर आईज, बस आईज क्लोज करो, बस एंड आई जस्ट पुल इट अपवर्ड्स ऐसे. पीकू वाले आईज दिखाओ मम्मा को, दूसरा आईज दिखाओ, दूसरा आईज दिखाओ, क्लोज करो, ऊपर देखो, सामने देखो, इधर देखे, आईज क्लोज करो, इधर देखो, मम्मा की तरफ देखो, मम्मा की तरफ. अभी रुको, बिकॉज हर ड्रेस इज purple and pink combination so I'll take a bit of pink color. dekhe piku piku mama ki taraf dekho, eyes close karo aur thoda sa pink bhi main dab kar dungi is pe. wow piku kaisa lag raha hai? wow close your eyes, thoda sa pink yahan pe glitter ke upar main dab kar dungi. now ab yahan pe thoda sa blush. So I'll take a bit of pink color और cheeks पे बहुत ही light dab करेंगे यहाँ पे. और पीकू वाला देखें, उधर देखें, मामा की तरफ देख, यहाँ पे भी थोड़ा सा dab कर देंगे. right? और थोड़ा सा golden लेंगे, थोड़ा सा highlight करेंगे इसको, बस. पीकू उधर देखें, nosey देखें, nosey, पीकू की nosey देखें, ऐसे ऐसे. ठीक है, और थोड़ा सा गोल्डन लेके थोड़ा सा डैप कर देंगे और गाल पे भी थोड़ा सा डैप कर देंगे. दैट्स इट एंड नाउ आई विल अप्लाई अ वेरी लाइट लिपस्टिक. वहाँ करो बहुत ही लाइट, आ She's so happy. Now, her makeup is done. और ये hair जो मैंने यहाँ पे clip करके रखा है वो मैं इसको dress बनाने के बाद उसको open कर दूँगी. That's it with the makeup. Now I'll quickly go and dress her with her beautiful gown. So finally, Piku is all ready with her gown, with her makeup as well as hairstyle. Hairband आपको नहीं दिख रहा होगा because she was creating fuss regarding that. उसने उसे हटा दिया है. It's up to you. If your child is big enough who can carry it well, go for it. तो Piku, how are you feeling? Wow! हाँ. Wow! Wow! अच्छा, और Piku की फ्रॉक में Piku कैसी लग रही है? Wow! अच्छा, एक बड़ी सी स्माइल दे दो. So Piku is very happy ना, dressed as Cinderella. और पीकू गोल गोल कैसे घूमती है, जस्ट शो. अच्छा ये भी ले ले रहे हैं. कैसे गोल गोल घूमती है फ्रॉक पकड़ के, ये. सो पीकू इज ऑल हैप्पी विद हर ड्रेस. सो दिस वाज इट फॉर माय टुडेज वीडियो विद दिस नॉटी फसी चाइल्ड. तो बच्चों को तैयार करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मदर्स.
लेकिन जितना क्लोज आप बच्चे को अच्छे से तैयार कर दो, यू आर द वन हु फील द मोस्ट सेटिस्फाइड, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर आपका बच्चा अच्छा लगे, पुट टुगेदर लगे, और जब आप उसको ड्रेस करो तो सब जब तारीफ करे तो इट लुक्स वेरी गुड और आपको भी फील गुड होता है. सो दैट वॉज इट विद माई टूडेज वीडियो. होप यू ऑल विल एंजॉय इट. थोड़ा सा बीच में क्योस होना बनता है क्योंकि भाई बच्चा है आपके साथ, तो थोड़ा सा वैं इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर मदर्स. तो मैं मिलूंगी आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर माई बैक टू बैक वीडियोज, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ यू आर न्यू, प्रेस द बेल बटन विच इज ऑन द साइड, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि इसमें पीकू ने बहुत मेहनत किया है एंड शी वॉज सिटिंग वेरी नाइसली विद फुल पेशेंस. मैंने उसका मेकअप किया, हेयर किया, ड्रेस पहनाया, और अभी वो थोड़ा सा नाटक का करिए. पीकू हैप्पी फेस बना दो जल्दी से. Bye. Bye.